माँ, एक शब्द बहुत कुछ कह जाता है, एक अजीब सा एहसास महसूस कराता है। जीवन के अंधेरे में उजाले का जरिया है ये, सबके चेहरे पे खुशी की वजह है ये, धरती पे खुदा का प्रतीक है ये, प्यार का सही मतलब समझाती है ये। क्या कुछ नहीं करती ये हमारे लिए, वो हमें जीवन देने के लिए कितना दर्द सहती है। कुछ भी परिस्थितियां हो, सब कुछ सह के हमें सुकून देती है ये। कैसा लगता होगा उसे जब वो अपने बेटे को जीत की तैयारी कराती है, जब वो किसी स्कूल टीचर के हवाले करती है अपने बेटे को। दिल में गम और आंखों में सपने लेके जुदा करती है वो। वो डांटती है हमारी गलतियों पे, तो कभी वही बचा देती है उस डांट से। वो रोज नए बहाने बनाती है ताकि हम खाना खा ले, रोज रात को सुनाती है प्यारी कहानियां ताकि हम चैन की नींद सो सके। खुद भूखी रहती है जब तक हम ना खाए। डांटती भी वही है और आंसू भी उन्हीं की आंखों से निकलता है। माँ की ममता नहीं चाहती कोई वादा, चाहती है बस साथ रहना सदा। हमारी खुशी होती है उनके जीवन की वजह, बस दुआ करती रहती है ताकि हम जीत जाए। ऐ खुदा, पता नहीं तू है कि नहीं, पर जब मेरी माँ को देखता हूं तो लगता है कि तू इससे बेहतर तो नहीं। हम भगवान को पूछते हैं, पूछते हैं क्योंकि उसने बनाया है मेरी माँ को। और माँ बस चाहती है साथ रहना, और हम वो भी करने से चूक जाते हैं। माँ बस चाहती है कि हम उनका सहारा बने, पर क्या बन पाते हैं हम उनका सहारा? और क्या हमारी खुशी के जरिए को रुला के उनसे दूर रह के खुश रह सकते हैं क्या हम? अपने भगवान को पूजो या ना पूजो, बस माँ के साथ रहो, उनकी खुशियों की वजह बनो। जियो तो उनके सपने पूरे करने के लिए जियो, बस उनके साथ रहो, उनको खुशी दो, बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। ये किया तो मरने के बाद खुदा भी आपको सलाम करेगा।